अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपका भाई मोहम्मद शर्जील, शर्जील इलेक्ट्रिक डाई से। तमाम भाइयों को अपने चैनल शर्जील इलेक्ट्रिक डाई में खुश आमदीद कहता हूँ। जो भाई नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें ओल्ड एयर कूलर को हमने DC 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। पहले भी 12 वोल्ट में था लेकिन वो ख़राब हो चुका है। इसकी वायरिंग भी न्यू करेंगे, मोटर भी चेंज करेंगे, वाटर पंप भी नया लगाएंगे। ये इसके टोटल पार्ट्स हैं। पानी के लिए ये पाइप है, ये वाटर पंप है 12 वोल्ट में, ये डबल स्पीड में जापानी मोटर है 12 वोल्ट में, तो ये इसकी वायर है। ये इसके ऑन ऑफ के लिए शीट लगाई है, बटन है। जी जनाब वाला, अब हमने ये जो ओल्ड इसकी 12 वोल्ट वाली मोटर है इसे खोलेंगे, तो इसकी पुरानी वायर को निकालेंगे, उसके बाद इसके नए कनेक्शन और नई मोटर इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही इजीली आप अपने कूलर पंखे को बना सकते हैं, किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम खुद ही अपने घर कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये हमारी ओल्ड DC मोटर है, डबल स्पीड में है, तो ये ख़राब हो चुकी है। इसकी जो स्पीड है बिल्कुल ही कम है, तो अब इस जगह पे हमने नई जो हमारी मोटर है वो इंस्टॉल करनी है। ये हमारी नई मोटर है। सबसे पहले हमने इसके ये तीन स्क्रू खोलने, ये देखें जनाब वाला मोटर हमने लगा लिया है। अब इसके जो स्क्रू हैं, पेच हैं, वो हमने सही करते हैं। जब ये देखें जनाब वाला, ये इस मोटर के पार हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखें, ये डी कट में पार है इसका, ये देखें डी शेप में, डी कट में, ये देखें। अब इसको जनाब वाला, इसमें आप हमने पार फिट करना है। ये जो कट है मोटर का, ये भी डी कट में है, ये देखें। ये देखें जनाब वाला, हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, पार इसके फिट हो चुके हैं, मोटर फिट हो चुकी है। जो इसकी कनेक्शन वायर हैं, ये चार वायर हैं, ठीक हो गया। नीली और जो काली है उसको जनाब वाला हमने मैंने नफी वाली वायर बनाना है। जो सब्ज और पीली वायर है वो हमारी एक सिंगल स्पीड होगी, अगर इस दो वायर को आपस में ज्वाइंट कर देंगे डबल स्पीड हो जाएगी। इसके दो बटन हम लगाएंगे, एक बटन पर एक स्पीड होगी, दोनों को बर वक्त हम ऑन करेंगे तो ये डबल स्पीड पर वर्क करेगा। अब आपको चेक करके दिखाते हैं, आप सिंगल स्पीड चेक कर रहे हैं, ये देखें। स्पीड वाली जो वायर हैं उनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब बस अब इसकी इसको टेस्ट करेंगे, ये देखें, अब ये डबल स्पीड है। चलो, यहाँ तक हमारा